हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही डरावनी और खौफनाक है। कई लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेत की परेशानी होती है। वो इस परेशानी को किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो कोई मानता नहीं। कुछ लोग इसका समाधान ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास रुपए ना हों तो आप इसका समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे और मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि भूत प्रेत का साया आखिर आपके घर पर आया कब से। ऐसा ही कुछ विनोद के साथ हुआ था, जब वो ये समझ नहीं पा रहा था आखिर घर में भूत प्रेत का साया कैसे आ गया या उस पर भूत प्रेत का साया कैसे आ गया। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है विनोद की, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। वहां के एक छोटे से शहर के पास के गांव में वो रहते हैं और शहर में काम करते हैं। आना जाना शहर और गांव में उनका लगा रहता है। उनका काम क्या है? कमीशन का। किसी भी तरह का वो काम पकड़ लेते हैं, कमीशन उसमें से लेते हैं। और असल में उस समय विनोद बहुत ज़्यादा लालची हो गया था। लोगों के काम करवाने के लिए वो रुपए मांगा करता था। किसी का कोई छोटा मोटा सरकारी काम करवाना हो कि मैं करवा दूंगा, वहाँ जाकर उससे कहना कि ये काम ऐसे नहीं होगा, मैं रुपए लाकर तुम्हें दूंगा, ज़्यादा मांगना, ऐसे करना, तो बिचौलिया बनकर लोगों को जैसे ठगा करता था और इससे कमाई किया करता था। यही कारण था कि गांव में कुछ लोगों को उसने ठगा था, जिसके बाद उसकी दोस्ती भी कम लोगों से रह गई। कुछ अच्छे दोस्त थे जो अब भी उससे दोस्ती निभाते थे। कुछ लोगों से उसने बहुत ज़्यादा उधार लिया था, कुछ का वापस नहीं किया तो कुछ का किया। इस तरह से सब उसे ठग ही कहने लगे थे। तो आसपास के गांव में भी ऐसी ठगी वो मारता जा रहा था। अपने माँ बाप से उसका झगड़ा हो गया था तो एक अलग घर में वो रहने लगा था। इस तरह उसकी ज़िंदगी कटे जा रही थी। लेकिन शरारत और उधार मांगने की आदत उसकी जा नहीं रही थी। वो काम करना पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी नहीं। तो जहां भी काम करता, चालाकी मारता, एडवांस ले लेता, वहां से खिसक लेता, इस तरह से अपना महीना अच्छे से निकालता। नई नई जगह जाता रहता था, लोगों को ठगता रहता था। कहीं गटर का ढक्कन हो उसे उठा कर ले आता, उसे बेच देता। लोहे की ग्रिल लगी हो उसे काट लेता, उसे बेच देता। यही काम वो करता जा रहा था और इससे उसकी कमाई होती। शराब पीता, ऐसे तंबाकू लगाता और नशीली चीज़ें खाने का उसे शौक था। ज़िंदगी तब तक ठीक थी जब तक अचानक उसकी ज़िंदगी बदली नहीं। एक रात घर में शराब की बोतल लेकर आया था। उसे लगा था शराब पीऊँगा, किसी से बांटूँगा नहीं, आराम से पीऊँगा, मज़े करूँगा और सो जाऊँगा। अमूमन अपने दोस्तों के पास जाता था तो दोस्त उसे शराब पिलाया करते। जब अपनी शराब लेता तो अकेले पीता, ताकि किसी के साथ बांटनी ना पड़े। इस बार शराब की बोतल लेकर आया था, आधी वाली। जैसे ही पकड़ी ग्लास में डालने के लिए, हाथ से बोतल जैसे खिसकी, नीचे गिरी, टूट गई। अब नीचे जो फर्श था ना, मिट्टी का था। जल्दी जल्दी जैसे मिट्टी ने वो शराब को चूस लिया, वरना वो तो ज़मीन पर जीभ लगाकर चाट भी सकता था। लेकिन अब नुकसान हुआ तो वो गुस्से में बेड पर लेटा हुआ कि आज हाथ से वो बोतल खिसक कैसे गई। असल में बोतल सिर्फ खिसकी ही नहीं थी, जैसे उसने खुद ऐसे मारी थी। झटका लगा था बाजू में या क्या हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जैसे कुछ देर ऐसे सर करके वो बैठा करता था, तो बेड पर ऐसे सर करके बैठा हुआ दीवारों को देख रहा कि आज यार शराब पीकर सोने का मन कर रहा था तो शराब गिर चुकी है। अब क्या तरकीब लगाऊं ताकि खर्च भी ना करना पड़े, किसी और से शराब मुझे मिल भी जाए। जैसे ही हाथ को सर के पीछे से निकाला, भाई बाजू सो चुकी थी, हिल नहीं रही। कई बार होता है ना, बाजू शरीर के नीचे रह जाए तो हिलती नहीं, तो ऐसा हुआ। अब इस तरह से बाजू को हिलाने की कोशिश करता रहा और अचानक उसकी बाजू जैसे किसी ने पकड़ी हो। अब वो ऐसे ऐसे कर रहा था, यहाँ काले काले उंगलियों के निशान नजर आए। देखने लगा, भाई ये क्या है? साफ साफ उंगलियों के निशान यहाँ पर छपे हुए। एक बार के लिए वो घबरा गया। उसके बाद उठा, उसे लगा कि शायद कोई उंगलियों के निशान कहीं छप गए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब इसे साफ करता हूँ। और बाजू भी थोड़ी थोड़ी हिलने लगी थी। लेकिन जैसे ही बाथरूम में गया, दरवाज़ा खोला, भाई बाथरूम में कोई खड़ा। अजीब सा था,
लाल रंग की उसकी आंखें थी, गंदे सफ़ेद और काले बाल काफ़ी ज़्यादा और दांत बाहर की तरफ निकले हुए। उसने दरवाज़ा खोला, डर कर पीछे गिर गया और जितने में पीछे गिरा सामने से वो गायब। उठा वो, अपने सर पर हाथ मारने लगा। आज तो शराब भी नहीं पी, ये क्या हो रहा है? शराब पीने के बाद ऐसा होता है, लोग दो नज़र आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं खुद से बात कर रहा हूँ, कभी कभी दीवारों से बात करता हूँ, लगता है दीवार में कोई जिन्न होगा, खुश हो जाएगा, मुझे कुछ दे देगा। लेकिन अब तो सीधा जैसे बाथरूम में कोई नज़र आया है। शराब नहीं पी तो ये क्या है? फिर उसे लगा शराब पीनी ज़्यादा शुरू कर दी है, अब ऐसे अमीर दोस्त बनाए हैं कि उन्हें ठगते ठगते कुछ शराब मिल जाती है, उनके काम करवाने में अपना फ़ायदा हो जाता है। बेड पर आकर जैसे ही बैठा, एक बार के लिए खिड़की जैसे अचानक किसी ने बाहर से खोली हो, ऐसे टक की आवाज़ आई तो खिड़की खुल गई जो बीच में से ऐसे खुलती है। गया बंद करने के लिए, जैसे बंद की पीछे हटा खिड़की फिर से ऐसे खुल गई, जबकि हवा नहीं चल रही थी और खिड़की बड़े ज़ोर से खुली। फिर से बंद करने के लिए गया, सोच रहा ये खिड़की क्यों खुले जा रही है। जैसे ही खिड़की ऐसे बंद दोबारा की, वहीं खड़ा हो गया, देखो तो कौन खोलता है। जैसे ही खिड़की खुली, वही आदमी खिड़की के बिल्कुल सामने ऐसे खड़ा था विनोद। ऐसे देखा उसे और धड़ाम करके पीछे गिर गया, घबराया हुआ कि भाई ये क्या है, ये क्या अजीब सा नज़र आ रहा है। उसके बाद खाना खाने की कोशिश की, भाई हाथ काम नहीं कर रहा, चीज़ें गिर रही, ऐसा लग रहा जैसे चक्कर आते हैं या क्या होता है, या वो डरने लगा है, भ्रम होने लगा है। उसे लगा डॉक्टर को दिखाना होगा, लेकिन रुपए थोड़े कम हैं, क्या करूं, दिखाऊं या ना दिखाऊं। अगले दिन उसने दिखाया नहीं, जबकि पहली रात ऐसी चीज़ें हुई, अगले दिन उससे ज़्यादा बदतर चीज़ें हो रही थी। दिन के वक्त सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, यहाँ पर जो निशान थे ना वो बड़े हो गए, पूरी बाजू पर जैसे काले काले निशान, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने खुरचा हो और काले काले से निशान बने हुए। दिन के वक्त कई जगह गया वो, क्योंकि फ्री में चीज़ें लेने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था, तो ऐसे सब्ज़ी मंडी में कुछ सब्ज़ियाँ उठा ली, ऐसे किया, थोड़ी बहुत चोरी की, चोरी चकारी, उधार मांगना, ये चीज़ें वो करता रहता था, लेकिन पकड़ में नहीं आता था, पूरा दिन ये किया। लेकिन एक चीज़ थी, एक कमाल की चीज़ थी कि बार बार वो बेहोश हो रहा था। चार बार बेहोश हुआ, एक जगह जैसे ईंटों की एक क्यारी किसी ने बनाई हुई, वहाँ से फूल निकालना चाहता था और किसी को देना चाहता था। किसी अमीर घर में जाएगा और कहेगा बहुत बीमार हूँ मैं, देखो अच्छा दिखता हूँ, अब कुछ समय से बीमारी ने मुझे जकड़ रखा है, पौधा खरीद लीजिए, ऐसे बेचा करता था। यहाँ पर क्यारी से जैसे पौधा निकालने लगा, ईंटें लगाई थी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी, उसमें सर टकराया तो यहाँ पर निशान बन गया। इस तरह चार बार बेहोश हुआ अलग अलग जगह पर। एक जगह खाने के लिए गया था किसी के साथ, वहाँ बेहोश हो गया, एक क्यारी के समय बेहोश हो गया, एक घर में बेहोश हो गया। अब रात के वक्त सोच रहा कि चल क्या रहा है मेरे साथ, आज शराब लेकर आया था और उसे लगा आज पीऊँगा, गिरने नहीं दूंगा, आज कोई भ्रम नहीं होंगे, बिना शराब पिए एक दिन निकल जाए ना, तो ऐसा होने लगता है। अब जैसे ही उसने वो शराब की बोतल दोनों हाथों से पकड़ी, ग्लास में ऐसे डाली, थोड़ा सा पानी डाला और फिर ग्लास को देखने लगा। अब ग्लास को ध्यान से उठाना है, गिर ना जाए, एक तो हाथ कांपते हैं, चक्कर आते हैं। जैसे ही ग्लास उठाने लगा, भाई ग्लास चौड़े वाला ग्लास था, कहीं से चुराया था। उसके पास जो ग्लास थे ना सारे अलग अलग थे, कई जगह जाता था उठा कर लेकर आता था, ग्लास चौड़े वाला ऐसे उठाने लगा, ग्लास के बीच से एक हाथ निकला, घबरा गया, पीछे गिरा, ग्लास तो गिरा बोतल भी गिरा दी। अब बोतल टूटी नहीं, लेकिन ऐसे गिरी तो शराब आधी तो गिर चुकी थी, ग्लास तो कांच का था, ग्लास तो टूट चुका था, लेकिन बोतल को संभाला, आधी बोतल अब भी बची हुई। विनोद को लगा ये जो भी पागलपन चल रहा है ना मेरे दिमाग में है, कल डॉक्टर को दिखाऊंगा, जेब से रुपए लगते हैं तो लगे, एक तो अब लोगों को ठगना मुश्किल हो रहा है, आज जो खाना खाया था ना किसी के घर भिखारी बनकर खाना खाया था, तो मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, और शराब की बोतल भी दोस्त के घर में पड़ी थी, उठाकर भाग गया था, उसे ये पता था अगले दिन पिट सकता है, लेकिन शराब पीने का जो शौक था ना इस तरह से काम चलाया था, अब वो भी गिर गई। वो बोतल को ऐसे उठाया आंधे वाली को, उसे लगा ऐसे मुंह में लगा लूँगा, नीट पीऊँगा नीट। जैसे ही बोतल पी ऐसे पूरी उसने गले में उड़ेल ली कि अब नशा होगा, उतने में उल्टी आई, सब कुछ बाहर। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, चक्कर भी आ रहे हैं, बेहोशी भी हो रही है, और बेहोश उस समय हो गया था, सर एक कॉर्नर में खटिया के टकराया, बेहोश हो गया। उसके बाद अगली सुबह उठा,
शराब का कोई फायदा भी नहीं हुआ, वैसे भी निकल चुकी थी, बोतल वहां पड़ी हुई, ग्लास टूटा पड़ा हुआ। फिर याद आया रात को क्या हुआ, बेहोश हो गया था, बेहोश और नीचे ही सो गया था। सुबह सुबह डॉक्टर के पास गया, अब कुछ रुपए रखे क्योंकि डॉक्टर को दिखाना होगा, चालाकी नहीं चलती, कई बार वहां चालाकी दिखा चुका था, अब तो डॉक्टर के पास उसे रुपए देने होंगे, जो उधार लिए हैं वो भी देने होंगे, रुपए कम हैं, अकाउंट में भी नहीं थे, हर रोज ऐसे ही काम चलाया करता था। जो रुपए थे डॉक्टर को दिए, डॉक्टर ने पुराना उधार भी चुकाने को कहा, उसने माफ़ी वाफ़ी मांगी, लेकिन सारे रुपए देकर काम चलाना पड़ा। दवाई मिली, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट है, तो बुखार की, उल्टी की ऐसे दवाइयाँ दी जिसका असर कोई नहीं हो रहा, फिर से घबराहट हो रही, दो बार दिन में फिर से बेहोश हुआ। रात को से समझ में आने लगा, ये जो हो रहा है ना कुछ तो है। घर में परछाइयाँ नज़र आना, अजीब सी चीज़ें नज़र आना, खून के छींटे मिलना, क्योंकि शराब नहीं मिल रही थी, तो उस रात उसने देखा क्या हो रहा है। रोज़ शराब पिया करता था, लेकिन पिछले दो तीन दिनों से जो होना शुरू हुआ है ना, वो कुछ अजीब है। फिर रात के वक्त एक बार तो पंखे का नट जो उसने पिछले महीने कसा था, कैपेसिटर जब लगाया, चेंज किया था भाई, नट खुला पंखा उसके सर पर, जब नीचे लेटा हुआ सर पर पंखा गिरा था। उसे लगा उसे मारने की साजिश चल रही है, लेकिन साजिश कर कौन रहा है, ये तो भूत प्रेत का चक्कर लगता है। उस रात खिड़की में जैसे अपने आप खुलकर चेहरा नजर आना, बाथरूम में वो आदमी खड़ा नजर आना, बेड के नीचे से हाथ निकलना, उसे पकड़ने की कोशिश करना, ये आम बात हो गई थी। और अब उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि क्या होगा, रुपए नहीं थे, कहीं से उधार मांगता तो कैसे मांगता, किसी को ठगता तो कैसे ठगता। फिर उसे लगा मुझे काम करना होगा, अब ऐसे मैं करता रहूँगा ना तो पेट भरने के लिए रुपए नहीं बचेंगे, और डॉक्टर को देने होंगे और रुपए, और दवाई लेनी होगी, दवाई का असर नहीं हो रहा, उसने कहा है टेस्ट करवाने होंगे, उसके लिए रुपए चाहिए, मांगे मिले नहीं तो उसे लगा काम करूंगा एक शराब की दुकान पर, जहां पर जैसे हर दिन के रुपए मिलते थे, काम करना पड़ता था बहुत ज़्यादा, मेहनत वो करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी थी, मेहनत तो करनी पड़ती। वहां पर शराब की बोतलें, पीछे जैसे एक ठेका बना हुआ, वहां बैठने के लिए जगह, शराब पीने के लिए जगह, उसे लगा बीच बीच में जो ग्लास में पड़ी होगी वो भी डालता जाऊंगा अंदर। बोतल लेकर गया एक कस्टमर को देने के लिए, सीधा उसके सर पर बोतल मारी, नीचे गिर गया, बेहोश हो गया था, बोतल गिरा दी। दूसरी बार एक घंटे बाद बेहोश हुआ, जब बोतल नीचे फर्श पर गिरा कर तोड़ दी, महंगे वाली बोतल थी, वो इतने कमा नहीं सकता था जितने गंवाने पड़े थे। उसे वहां पर पूरा दिन काम करना पड़ा, क्योंकि उतनी कमाई नहीं होती जितना खर्च कर दिया था, तोड़ दिया था सामान, तो मिला तो ठेंगा। घर आया, उसे लगा ये काम नहीं करना, ऐसी जगह पर नुकसान होता है। और वो रात वो जो प्रेत उसे नजर आ रहा था ना, वो गला घोंटने की कोशिश कर रहा, अब तो दिन निकालना मुश्किल हो रहा और रात बहुत भयानक होती, वो गला घोंटने तक आ गया। उसे लगा किसी बाबा के पास जाना होगा, अब बाबा तांत्रिक जो भी होते हैं ना, कुछ रुपए तो मांगते हैं, उसके पास कुछ नहीं था, देने के लिए कुछ नहीं था। बाबा से उधार मांगने की कोशिश की, बाबा ने चिमटा मारकर आगे भेज दिया था। तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक तो उससे भी ज़्यादा बड़ा ठग था, अजीब सा दुकान लगाकर बैठा हुआ तांत्रिक, पता नहीं क्या था, खुद तंबाकू लगाता था, फ़ायदा करता होगा या नहीं करता होगा उसे नहीं पता था, लेकिन उसने कहा मैं बाद में दे दूंगा, वो माना। उसने कोई झाड़ फूँक की, मोर पंख ऐसे मार वार कर भेज दिया, असर कोई नहीं हो रहा। फिर रोता रोता अपने पुराने साथी के पास गया जिसको ठगा था, अब जिसको ठगा हर किसी से मदद मांग रहा, मदद कोई कर नहीं रहा, सबसे उधार लिया हुआ, पिट भी रहा, लेकिन एक दोस्त को तरस आ गया, चलो तेरी मदद कर ही देता हूँ। अपने रुपए से एक खास जगह लेकर गया, एक जगह जहाँ झाड़फूँक होती थी, अपने रुपए से झाड़फूँक करवाई। बाबा ने कहा तेरे ऊपर जो प्रीत का साया है वो दूर हो जाएगा, अगर किसी चीज़ पर प्रीत का साया है तो वो लेकर आ। उसने कहा किस चीज़ पर हो सकता है, सारी चीज़ें तो उठाई हुई हैं, अब किसी जगह से कुछ ना कुछ तो लेकर आया हो सकता हूँ। उसके बाद उसने घर की चीज़ें फेंकनी शुरू की, चुराई हुई वो चीज़ें एक एक करके फेंकता गया, अगले तीन दिन निकालने मुश्किल हो गए, तीसरे दिन तो सब कुछ फेंका कि पता नहीं किसमें है भूत प्रेत का साया। दोबारा बाबा के पास गया, झाड़ फूँक की, बाबा ने कहा वो चीज़ को बाहर फेंक जो काले जादू वाली हो। उसने कहा कुछ नहीं है, घर में सब चीज़ें फेंक दी, अब घर को तोड़कर ईंटें भी बाहर फेंक दूँ क्या, रहूँगा कहाँ। बाबा ने कहा तुम्हारे पास आना होगा मुझे, लेकिन यहाँ छोड़कर तुम्हारे पास आऊँगा तो ज़्यादा रुपए लगेंगे। अब उसका दोस्त कहने लगा भाई मेरे पास कुछ नहीं है,
उसके बाद विनोद ने अपनी चीज़ें बेची, पंखा बेचा, घर की हर चीज़ बेची। अब चुराई हुई चीज़ें तो फेंकनी पड़ी थी, बाकी बचा बेचना पड़ा था, कुछ नहीं बचा था। जो जो कमाता था रखता था सब कुछ गया था। बाबा घर पर आया, उसकी कीमत लगी। बाबा ने घर आकर चीज़ देखी कि यहाँ तो कुछ नहीं है, किस पर काला जादू किया होगा। चारों तरफ झाड़ फूंक की, कुछ नहीं निकला। अगले दिन फिर से भूत अब पकड़ कर उसे घसीटा करता, बेड के नीचे खींच कर ले जाने की कोशिश करता, टांगे नीचे ले जाता, फिर गायब हो जाता। बाथरूम में वो उसे नहाने नहीं देता। रात के वक्त जैसे ही वो पानी में जाता, नहाने की कोशिश करता, तो जब पानी पड़ता ना तो जैसे गला घुटने लगता, वो नहा नहीं पाता था। उसे लगा पानी में एक मग से ऐसे डालूंगा ना भाई वो मार देगा इतने में, तो नहाया नहीं कुछ दिनों तक। अब रुपए नहीं थे बाबा के पास जाने के। दोस्त के पास गया कि आखिरी बार मदद कर दे। उसने कहा आखिरी बार क्यों, तू मरने वाला है, भाग जा यहाँ से। भगा दिया दोस्त ने। अब विनोद के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बाबा कह रहा कोई वो चीज़ निकाल दे जो तेरे पास है। उसने कहा क्या निकालूं, कच्चा कपड़े सब निकाल दूं, नंगा घूमूं क्या, कपड़े पर किसी ने काला जादू कर दिया। बाबा के पास पांव पकड़कर कह रहा क्या चीज़ है मेरे सिवा, क्या हड्डियां निकाल दूं, मांस पर काला जादू किया हुआ होगा या गर्दन पर किया होगा, गला काट दूं, फेंक दूं इसे। बाबा हंस रहा और कह रहा कि कुछ तो है, कुछ तो है, तेरे पास कुछ है जिस पर काला जादू किया है। अब विनोद माफ़ी मांग रहा और कह रहा मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, पछता रहा हूँ जो हालात मेरे हो गए हैं, क्या करूँ। बाबा को सब कुछ बताया। बाबा का मन कर रहा था मारने का, ऐसी ऐसी बातें, चोरी चकारी के क्या नहीं छोड़ता था वो, कहीं बच्चों के खेलने वाली चीज़ है पोल लगा हुआ वो उठा लिया, गटर का ढक्कन उठा लिया, गमले उठा लिए, किसी के घर के बाहर ग्रिल लगी है वो उखाड़ कर ले गया, घर के बाहर सिलेंडर पड़ा है उठा कर ले गया, ये काम किया करता था, बदनाम था, बहुत बार पिटा था, जेल जाते जाते रह गया, बच गया था तो छोटी चोरियाँ करने लगा था, शराब के लिए मांगा करता था, भीख तक मांग लिया करता, कपड़ा डालकर कुछ मिल जाए, जहाँ कोई अंधा भिखारी हुआ ऐसे रुपए रखता, बीच में से निकाल लेता, भाई 10 रुपए रखता, 100 रुपए ऐसे उठा लेता, ऐसी हरकतें करता था। लेकिन अब सबक मिल रहा, हालात बदल गए थे, सेहत खराब, खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा, 2 दिनों से कुछ अच्छे से खाया नहीं, पानी पीकर काम चला रहा। दोस्त ने कहा था मदद करूँगा, खिलाऊँगा पिलाऊँगा नहीं, उधार दे मेरा। बाबा के पास वो लेट गया कि यहाँ करो जो करना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। बाबा के कई चेले चपाटे थे, चिमटे पकड़ा करते थे, अब यहाँ पर भी चिमटे पड़ने वाली बात हो रही। तब उसने कहा जो है ले लो, कपड़े ले लो, ये मेरा पर्स फटा हुआ ये ले लो। बाबा ने जैसे ही पर्स देखा, बाबा ने पर्स पकड़ते ही नीचे फेंका, यही है, इसके अंदर है जो है, जो है इसके अंदर, उसमें काला जादू किसी ने किया है, मैं देखते ही पहचान सकता हूँ वो काली राख, उठा इसे, खोल इसे, इसके अंदर क्या क्या है उस पर कुछ है। विनोद ने पर्स खोला, कागज़ वगैरह, खैनी के पैकेट, गुटके के पैकेट खाली पड़े हुए, 2-2 दाने उसमें ऐसे निकाल रहा, ये काम आएगा, कल काम आएगा, उसमें से निकाला 10 रुपए का नोट, गला हुआ, फटा हुआ, टेप लगी। बाबा ने कहा यही है, किसने दिया ये। फिर वो याद कर रहा, अब इतना उधार लेता था याद तक नहीं आ रहा, इससे 10 ले लिए, 5 ले लिए, ये दे दे मेरी किडनी खराब है, ये दे दे वो दे दे, अब उसे याद तक नहीं। बाबा ने कहा जिसने ये दिए हैं उसी ने तुझे जैसे मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर काला जादू किया है। फिर उस बाबा ने कहा जला दे इसे। अब जो विनोद था वो कह रहा कैसे जला दूं, नोट है, चला सकता हूं। बाबा ने कहा चला तो सकता है, उससे पहले तू चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से विनोद ने नोट को जलाया। जब नोट जलाया उसका धुआं काला था, जबकि आग लकड़ियों की वो काला धुआं नहीं छोड़ रही थी, ऐसा काला धुआं जैसे प्लास्टिक जली हो, बहुत ज़्यादा धीमा धीमा जला, जबकि वो कागज़ होता है। नोट बड़ा अजीब गला हुआ था पूरा, चलने लायक नहीं था। इस तरह से विनोद के ऊपर से वो साया गया, और विनोद तो भाई किसी से नोट पकड़ने से डरने लगा कि उधार ही लूंगा, नोट पकड़ूंगा, पता नहीं कौन काला जादू कर दे, सिक्का लूंगा काला जादू कर देगा, इसलिए अब उधार मांगना बंद, क्योंकि ऐसी चीज किसी से करेगा, परेशान करेगा, क्या पता कौन काला जादू कर दे, और इस बार भयानक वाला, और उसकी समझ में ना आए वो नोट ऐसा हो जो चले ना। ये नोट को उसने चलाने की कोशिश की थी, इतना गला था चल नहीं रहा, जहां देता चालाकी मारता, पेट्रोल पंप पर कहीं से कुछ, तो वहां वो नोट चलता नहीं, इसके बाद वो उसी की जेब में रहता, जिसने दिया था चालाकी से दिया था।
अब विनोद समझ गया, चालाकी नहीं चलने वाली, क्या पता दुश्मन करीब ही हो, आपको मदद के लिए कुछ नोट दे और उसमें से एक नोट काले जादू वाला हो जो चले भी ना, आप उसे फेंक भी ना पाए और मुसीबत आपके गले पर हमेशा के लिए लटकी रहे। इस तरह विनोद ने तो सबक ले लिया, भले ही जिंदगी में जितनी भी गलतियां की थी भविष्य में वो गलतियां नहीं करनी है, वो समझ गया था। विनोद के एक दोस्त ने मुझे ये कहानी भेजी विनोद जी की आप पीती, और आपको उनकी आप पीती कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं ज़्यादातर कहानियों में करता हूँ, आपके लिए एक सबक उस कहानी में ज़रूर होता है, उन कहानियों का चुनाव मैं करता हूँ, और इस कहानी से भी यही सबक मिलता है, उधार मत मांगना, क्या पता कोई उधार के नाम पर आपको क्या दे दे और आपका क्या बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।